नमस्कार। आज व्रत वाले आलू मैं बनाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। व्रत वाले आलू बनाने के लिए एक आलू मैंने लिया है। आलू बड़ा है इसलिए एक लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बादाम मैंने छिले हुए लिए हैं 20 से 25, इसकी जगह पे आप मूंगफली ले सकते हैं। और बादाम को छीलना कैसे है, या तो 10 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डाल दें, या 2-3 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में आप डाल दें तो छिलका इसका निकल जाएगा। आधा चम्मच जीरा मैंने लिया है, हरी मिर्च एक बारीक काट ली है, आधा चम्मच नींबू का रस, एक कप पानी, जीरा पाउडर आधा चम्मच, सेंधा नमक आधा चम्मच। तो सबसे पहले आलू को छील लेंगे। आलू को अच्छे से पहले धो लें और उसके बाद में इसका छिलका उतार लें। और आलू को छीलने के बाद काट लेंगे। सबसे पहले बीच से काटें और बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने, मीडियम साइज़ के इसके टुकड़े हम कर लेंगे। इस तरीके स्लाइस काट लें। अब शुरू करते हैं, गैस ऑन करेंगे और कुकर में बनाएंगे सब्जी। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें घी या तेल डालें, बहुत थोड़ा मैं डाल रही हूँ, ना के बराबर, आधा चम्मच से भी आधा मैंने डाला है। इसके बाद में जीरा, जीरे को थोड़ा भून लेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक इसको भून लेंगे। जीरा भून चुका है, अब इसके बाद में डाल देंगे जीरा पाउडर और गैस को एकदम कम कर दें। हरी मिर्च, बादाम और ये कटे हुए आलू मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद सेंधा नमक इसको भी अच्छे से मिक्स करें और इसके बाद में डाल देंगे पानी। गैस को तेज करें फुल आंच पे और अच्छे से मिक्स करें और ढक्कन लगा के 2 सीटी तक हमें पकाना है। ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी तक इंतजार करना है और उसके बाद में प्रेशर अपने आप खत्म होने दें। चलिए चेक करते हैं, इसका प्रेशर खत्म होने के बाद ही कुकर को खोलें और चेक करेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स करें और तोड़ के देख लें आलू, अगर आपको लगे कच्चे रह गए हैं तो 1 सीटी और मरवा दें। सब्जी हमारी बन चुकी है और नीचे उतार लेंगे और इसके बाद में ये नींबू का रस इसके अंदर, नींबू का रस हमेशा आखिर में डालें और मिक्स करें। और अगर बिल्कुल ही बिना पानी के आप बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 चम्मच पानी डालें, एकदम सूखी सब्जी आपकी बन जाएगी। किसी भी प्लेट में डाल के या कटोरी में डाल के सर्व करें। ये लीजिए, व्रत वाले आलू हमारे तैयार हैं।